नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव, टाइगर रिजर्व प्रस्ताव के खिलाफ कैमूर के आदिवासी करेंगे चुनाव का बहिष्कार। कोरोना अपडेट, देश में 67,000 से ज़्यादा नए मामले। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी में हड़ताल, सरकारी दमन के बावजूद जारी। महामहिम कोश्यारी को संविधान से ऐसी चिड़ क्यों, पूछ रहे हैं उर्मिलेश। 108 गांव द्वारा किए गए बहिष्कार के इस आह्वान से दो जिलों कैमूर और रोहतास पर प्रभाव पड़ेगा, जहां 28 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है। गांव वालों का कहना है कि उनकी पीढ़ियां इन जंगलों से सन 1911 में रह रही हैं और अब इन 1,00,000 लोगों को विस्थापन का डर है। आइए देखते हैं क्यों कैमूर के गांव वाले बिहार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। देखते हैं न्यूज़ क्लिक की ग्राउंड रिपोर्ट। कैमूर पठार दो जिला अंतर्गत 8 प्रखंडों में जो विभाजित किया गया है, ये विभाजित के चलते जो हमारी 5वीं अनुसूची का जो अधिकार मिला था वो नहीं मिल पा रही है। तो हमारा ये मांगे है कि प्रशासनिक पुनर्गठन करते हुए दो जिला अंतर्गत 8 प्रखंडों में जो विभाजित है उसे दो प्रखंड में, एक जिला अंतर्गत दो प्रखंड में किया जाए और यहाँ 5वीं अनुसूची क्षेत्र लागू किया जाए, एक अनुमंडल की दर्जा दी जाए। जितना हमारा मैंने जनगणना के हिसाब से 70,000 वोट है, उसके हिसाब से कि आज़ादी के आज तक जो हम लोग वोट देते गए 72 साल से, हम लोग को कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। कानून से भी ऐसे भी हर दरवाज़ा पर आज जितना जंगल झाड़ी से हम लोग का बाल बच्चा सब जी खा रहा बा, महुआ पियार तेंदू पता, ये बाघ है अभयारण्य के नाम पर, सेंचुरी के नाम पर दिन इसका शासन जो है एकदम कड़ी रहता, तो यहाँ लोग लाचार होकर कहाँ जाएंगे। इसी पर ये सब तय हुआ है, दो दिवसीय मीटिंग में सारी बात हो चुका है कि चुनाव में अभी। दो दिवसीय मीटिंग कब हुई है? 10 सितंबर 11 सितंबर। अच्छा, उसी में सब क्या तय हुआ? यही तय हुआ कि जब तक हम लोग का मांग नहीं सुना जाएगा, 6 जो मांग है उसके हिसाब से अगर कोई सुनने के लिए तैयार है तब तक हम लोग वोट देने का भी तैयार नहीं है। ये क्या आपका डिमांड क्या है? मेन वही है कि जैसे यहाँ जैसे कि आदिवासियों का कानून भी बहुत तरह तरह के बना, वन अधिकार 2006 भी बना, समुदाय के जो अधिकार है उसमें भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग का पहला तो मांग ही है कि कैमूर का प्रशासनिक पुनर्गठन करें और 5वीं 6वीं सूची में, और दूसरा में छोटा नागपुर कश्तकारी अधिनियम, तीसरा में आपके पेशा कानून जो बना है अभी तक लागू नहीं है, ना कोई सुनने के लिए तैयार है, और चौथा में प्रस्तावित भारतीय वन अधिकार कानून 2006 अभी तक धरातल पर नहीं देखने को मिला, न मिल रहा है। ASP दरोगा सब मतलब माने कि यही गांव जो है इसी गांव से लड़ाई हो रहा था, मतलब गुइया गांव से, कि आप जबरन यहां वृक्षारोपण नहीं कर सकते, आदिवासियों को मतलब ज़मीन से अलग नहीं कर सकते, तो जबरन यहां मतलब पुलिस लेकर माने 18 गाड़ी पुलिस माने कि 500-700 पुलिस की संख्या में वन विभाग लेकर आया, पूरी जनता को मतलब पूरे गांव को बंदूक के दल पर दबा कर यहां वृक्षारोपण कराया, पूरी ज़मीन उजाड़ कर मतलब ये नया वृक्ष लगा रहा है। तो मतलब बंदूक के दम पर ये लोग उनको भले साथ दे देते हैं वन विभाग को, आखिर जानता है आपका है कि नहीं है, आप विकास न करने हैं BDO साहब की मतलब कि केवल वन विभाग के लिए आप यहाँ आए हैं, तो इसी बात को लेकर मतलब तालाबंदी किया गया था कि आप हमें समर्थन करें अब बताएं, तो मैं अगर उसको तोड़ दिया गया तो अब ऐसे मांग करते करते जनता जब मांगते मांगते थक गई, 2-2.5 घंटा लोग वेट किए, जब नहीं आया कोई तब जनता उग्र हुआ और मैंने ताला भरने की कोशिश किया कि ताला में हम बंद करके हम वहाँ धरना पर बैठेंगे, जो ये ब्लॉक है, तो वहाँ जब ताला बंद करने लोग गए तो वहाँ जो प्रशासन था पुलिस था वो जनताओं पर वार करने लगा, उसी पर जनता उग्र हो गया और उसी में विवाद बढ़ी, तब तोड़फोड़ मतलब जाके वन विभाग में किया गया, और वन विभाग में जब यही बात किया जाए कि आप लोग निकलिए हम ताला मार कर स्वेच्छा से बैठेंगे अपने शांतिपूर्ण तरीके से, मगर वहाँ क्या किया है पूरा पुलिस ने फायरिंग करने लगे, गोलियाँ चलाने लगी हमारे ऊपर, हमारे एक प्रभु अगरिया के कान में गोली लग गई, कितने के सर फट गए, बहुत पिटाई किया, वो जनता भी उग्र होकर पिटाई किया,
तो ऐसे मतलब गोली चार्ज कर दी वहाँ, तो फिर आकर मतलब शांति कुछ तरीका कुछ किया गया। फिर हमारे बाद में ये पुलिस आई और पूरा एकदम लोगों को मतलब ये 29 गो के केस डायल करके 7 गो को गिरफ्तार किया और मतलब 400-500 का मतलब ये नाम मतलब ये दर्ज करके मतलब ये केस लिख दिया। तो अभी आप पे भी FIR है? हाँ, हमारे पे FIR है। अभी 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 आप छुपे हुए हैं? हाँ, छिपे हुए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जाएंगे तो धराएं लगा देगी। मुख्य कार्यकर्ता के रूप में हम लोग हैं तो ऐसे छिप के बिता रहे हैं, कि चूँकि ये हमारे घर पर भी 2 बार गया था वो मन पकड़ने के लिए। हमारे और साथी लोग के घर पर जाता है, कब चला जाता है, थोड़ा भी पा जाता है कि नहीं कि लोग आए हैं तो लोग चला जाता है, इसलिए हम लोग छुप छुप के मतलब रह रहे हैं यहाँ पर। हम लोग चाहे कुछ भी होगा, जो हम लोग का मांग है अगर सरकार नहीं देती है तब पर भी हम लोग अडिग रहेंगे, अपना लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 15 अक्टूबर सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 67,708 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा आज 79 दिन बाद प्रतिदिन मौत का आंकड़ा 700 से नीचे आया है, यानी पिछले 24 घंटों में कोरोना से 680 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 81,514 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और कुल सक्रिय मामलों में 14,486 मामले कम हुए हैं। देश भर में अब कोरोना के मामलों की कुल संख्या 73,07,097 हो गई है, जिनमें से अब तक 111,266 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में 0.30% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट 87.35% हो गया है, यानी कुल मरीजों में से अब तक 63,83,441 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। इसी के साथ देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 8,12,390 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 9,12,26,305 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 11,36,183 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। हमारी तीसरी खबर साउथ अफ्रीका से है। जनरल इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका के एक सदस्य की मौत 13 अक्टूबर को उस समय हुई थी जब दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी क्लोवर इंडस्ट्रीज के हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई थी। यूनियन के उप महासचिव चार्ल्स फहला के अनुसार फायरिंग के समय कर्मचारी क्लोविले कंपनी के डिपो में प्रदर्शन कर घर लौट रहे थे। वे बताते हैं कि ये घटनास्थल क्लोवर प्लांट के करीब भी नहीं था। श्रमिकों के दलालों के माध्यम से आउटसोर्सिंग की समाप्ति और 16% वेतन वृद्धि की मांग करते हुए दक्षिण अफ्रीका में क्लोवर द्वारा नियुक्त 6,000 कर्मचारियों में से 2,000 ने काम करना बंद कर दिया था, जो हड़ताल 13 अक्टूबर से शुरू हुई है। राज्यपाल कोश्यारी का मुख्यमंत्री उद्धव को यह लिखना कि आप सेक्युलर हो गए हैं क्या, महाराष्ट्र का नया महाविवाद है। इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। क्या राज्यपाल संविधान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर तंज कस सकता है? ऐसे में क्या वह अपनी शपथ का उल्लंघन नहीं कर रहा है? क्या वह उस संविधान की स्वयं ही धज्जियां नहीं उड़ा रहा है जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसे दी गई थी? संविधान के संबंध प्रावधान और अनुच्छेदों की रोशनी में इस विवाद पर टिप्पणी कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, आइए सुनते हैं उन्हें। अब जो व्यक्ति राज्य का एक मुख्यमंत्री रह चुका हो, जो फिर राज्यपाल बना हो, शपथ कई बार ले चुका हो संवैधानिक मर्यादा के पदों पर, जो संविधान के पद हैं, संवैधानिक पद हैं, और वह व्यक्ति भी अगर ये कहे कि क्या आप सेकुलर हो गए हैं और अपने मुख्यमंत्री से कहे, तो आश्चर्यजनक है। इसलिए नहीं आश्चर्यजनक है कि वो भारतीय जनता पार्टी का या संघ का कभी सदस्य रहा है या प्रचारक रहा है या नेता रहा है, बल्कि इसलिए कि वो चाहे जो भी रहा हो, आज की तारीख में वो राज्यपाल है, और राज्यपाल किसी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं रह जाता। जब वो राज्यपाल पद की शपथ लेता है तो वह इस बात के लिए बाध्य होता है कि वो भारत के संविधान के तहत काम करेगा, और संविधान के तहत काम ही नहीं करेगा, भारत के संविधान के मुताबिक वो संविधान की अपने राज्य में उसका संरक्षण भी करेगा, उसकी रक्षा भी करेगा, उसके एक एक प्रावधानों का, ये काम है राज्यपाल का। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी साहब जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने
अपने ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जो एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी बड़े सामान्य सी बात थी, वो टेलीफोन भी कर सकते थे, और अगर चिट्ठी लिखी तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। और चिट्ठी लिखने का ये लहजा, ये भाषा, ये सोच आखिर राजभवन से कैसे निकल सकती है? आश्चर्यजनक है कि राजभवन में जो पदस्थापित ऑफिशियल्स हैं, आखिर उन्होंने एक राज्यपाल को इस तरह का खत लिखने ही कैसे दिया? क्यों नहीं उन्होंने समझाया? ये भी एक अचरज की बात है। उन्होंने क्या चिट्ठी लिखी? हम किसी विश्लेषण में जाने से पहले, हम पहले राज्यपाल और उद्धव ठाकरे के बीच में जो संवाद हुआ है उसका बहुत संक्षेप में एक उसका अंश आपको सुनाते हैं। राज्यपाल महोदय ने प्रदेश में, उनकी चिंता यह है कि माल खुल गए, बाजार खुल गया, हल्का फुल्का समुद्र तट तक खुल गए, लेकिन भगवान के जो द्वार है वो नहीं खुले, देवी देवताओं के मंदिर नहीं खुले। जबकि वहां पर सिर्फ मंदिर की बात नहीं, सारे उपासना स्थलों पर इस वक्त तक प्रतिबंध है कि वो उस तरह से नहीं खुलेंगे जैसे वो पहले सार्वजनिक तौर पर खुले रहते थे। तो उनकी ये चिंता इस समय है, उनकी चिंता अपने देश, अपने प्रदेश के लोगों के जानमाल की सुरक्षा की नहीं है, उनकी चिंता है कि जल्दी से जल्दी मंदिर खुलें। और वो क्या कहते हैं, आप यानी मुख्यमंत्री, आप हिंदुत्व के एक मजबूत स्तंभ रहे हैं, अब आप सेकुलर हो गए हैं क्या? पहले तो इस शब्द से आप नफरत करते थे। मंदिर खोलने के बारे में लिखा गया राज्यपाल का सीएम को यह खत आश्चर्यजनक है। आप सेकुलर हो गए हैं क्या? क्या भारत का संविधान सेकुलर नहीं है? क्या भारत के संविधान के शुरुआती अंश को ही उन्होंने नहीं पढ़ा है? मैं हिंदी में पढ़ के एक वाक्य सुनाता हूं जो शुरुआत होता है जहां भारत के संविधान का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह से शुरू होता है। अंग्रेजी में फिर शुरू करते हैं वही लाइन, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जिस संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी भगत सिंह कोश्यारी जी पर है, उस संविधान के प्रियम्बुल यानी उद्देशिका का वह पहला वाक्य ही वो निगेट कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं और उसके प्रति चिढ़ जाहिर कर रहे हैं। चिढ़, कमाल की बात है। तो ये भगत सिंह कोश्यारी साहब ने जो किया है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रिजीम में नियुक्त किए गए जितने भी राज्यपाल हैं एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन ये जो नमूना है ये विचित्र है, हास्यास्पद है, अफसोसनाक है। और दोस्तों, हम जब आपसे बात कर रहे हैं और भगत सिंह कोश्यारी साहब जो राज्यपाल हैं उनके खत को लेकर और उद्धव ठाकरे के जवाब को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं, तो उस वक्त अपने देश में, पूरे देश में कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं उनकी पूरी संख्या 72,40,000 से कुछ ज्यादा है, और महाराष्ट्र जिसके वो राज्यपाल हैं वहां वो संख्या 15,44,000 से ऊपर है। मौतें अपने देश में कुल मिलाकर 1,10,584 हो चुकी हैं, और महाराष्ट्र में जो मौतों की संख्या है दोस्तों वो 40,701 है, यानी अपने देश में सर्वाधिक जो मौतें हुई हैं वो महाराष्ट्र में हुई हैं। अगर एक प्रदेश को लिया जाए, सबसे अधिक संक्रमित जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में हैं, और उसमें भी मुंबई जो राजधानी है वहां पर सबसे अधिक संख्या है अगर वहां के शहरों को देखा जाए, यानी महाराष्ट्र के। ऐसे प्रदेश में उद्धव ठाकरे ने अगर ये तय किया है कि उपासना स्थलों को, खासकर जो बहुत यहां भीड़ होती है, उनको बंद रखना फिलहाल जरूरी है, इसको सेकुलर कम्युनल के दायरे में देखना एक राज्यपाल का, जिस पर संविधान के संरक्षण और अपने समाज, अपने राज्य के लोगों की रक्षा की जवाबदेही है, आश्चर्यजनक है कि वो किस चश्मे से सारी चीजों को देख रहे हैं। क्या वो इस तरह के इश्यूज को उठाकर, जो बड़े इश्यूज हैं, उनसे लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं? ये बड़े सवाल आज उठ रहे हैं। और दोस्तों, हम आपको बताएं कि ठाकरे साहब ने जो जवाब दिया, बहुत संक्षेप में केवल दो लाइनें पढ़कर मैं सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से भी हिंदुत्व पर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और न उनसे सीखना है। दूसरा जो उन्होंने वाक्य कहा वो बड़ा दिलचस्प है कि जो लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ हमारे राज्य और उसकी राजधानी की तुलना करने वालों का
गर्मजोशी से स्वागत करते हैं वो मेरे हिंदुत्व की परिभाषा में फिट नहीं बैठते। उनका इशारा कंगना रनावत के बारे में है, जब वो राज्यपाल के यहाँ गई थी शिष्टाचार मुलाकात में, तो उनका बहुत ही आवभगत की गई वहां पर, तो उस पर वो कह रहे हैं क्योंकि कंगना ने पीओके से तुलना कर दी थी मुंबई के। अब ये जो पूरा विवाद आया है, इसमें शरद पवार ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, और शरद पवार ने जो कि आप जानते हैं कि एनसीपी के बड़े नेता हैं और इस सरकार की एक कंस्टिट्यूएंट है उनकी पार्टी, उन्होंने जो खत लिखा है प्रधानमंत्री को, उसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल का ये पत्र किसी पार्टी के नेता का पत्र लगता है, राज्यपाल जैसे पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा नजरिया खेदजनक है। सिद्धि विनायक मंदिर, शिरडी और विट्ठल मंदिर जैसे जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बिल्कुल असंभव है प्रधानमंत्री जी, ये बात उन्होंने कही है। और उन्होंने जाहिर है उद्धव ठाकरे ने भी कई बार कहा है कि जैसे ही स्थितियां बनेंगी उपासना स्थल खोले जाएंगे, लेकिन हम उसका जायजा ले रहे हैं और जो भी मशीनरी हमारी है, जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर हम इन चीजों को तय करेंगे। लेकिन राज्यपाल की ये जो उतावलापन है उनका, वो मतलब अद्भुत है। ये पहली बार ऐसा किसी राज्यपाल के बारे में सुना गया है जो इस तरह की बात कर रहा, और प्रधानमंत्री जी अभी तक खामोश है। प्रधानमंत्री जी तथागत राय के मामले में भी खामोश रहे एक जमाने में, जब वो त्रिपुरा के राज्यपाल फिर मेघालय के राज्यपाल थे, वो आरिफ मोहम्मद खान ने जब उठपटांग कुछ बातें की थी सीए को लेकर, उस समय भी वो खामोश रहे, किरण बेदी को लेकर भी खामोश रहे, और भी बहुत सारे राज्यपाल हैं दोस्तों। अभी बंगाल के जो राज्यपाल हैं धनखड़ साहब, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात है कि हमने देखा है कि कई बार जो बड़े लोग होते थे वो अपने इर्द गिर्द रहने वालों लोगों की जो खुराफातें होती थी उन पर भी खामोश रह जाते थे, ताकि जनता को, प्रजा को, आवाम को उनका मन न बढ़े, मनोबल न बढ़े। ये पुराने राजकाज में होता था राजाओं महाराजाओं के दरबार में। क्या वही स्थिति अपने देश में है कि अगर कोई राज्यपाल गलत बात बोलता है तो भी भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई सीख नहीं देते, कोई सर्कुलर नहीं भेजते, कोई नोटिस नहीं भेजते, ये क्या बात है? न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। साथ ही साथ देखिए हमारी हिंदी वेबसाइट hindi.newsclick.in। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।